जिला परिषद एवं पंचायत समितियों, कलेक्ट्रेट, नगर परिषद सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं मंत्रालय कर्मचारियों के हड़ताल पर उतर आने से कई विभागों के कक्षों की कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, तो कई कार्यालयों के कक्षों पर ताले लटके हुए हैं। मंत्रालय कर्मचारियों के हड़ताल पर होने पर लोगों के कार्य रुके होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायती राज और मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही है। वहीं कर्मचारी ऑफिसों में काम नहीं कर रहे, इससे ऑफिसों के कई काम अटक गए। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से कई कार्यालयों के कमरे खाली नजर आए। 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव किया जा रहा है, इसमें प्रदेश भर के कर्मचारी जुटे हुए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि 3600 पे ग्रेड, अंतर जिला ट्रांसफर, पदोन्नति प्रतिशत 17.92% से बढ़ाकर 53% किया जाए। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि 4.5 साल से राजस्थान सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों से परेशान होकर राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों अपने विभाग के अधिकारियों को सामूहिक अवकाश का लेटर दे चुके हैं। वहीं कर्मचारी नहीं होने से पंचायत कार्यालयों, कलेक्ट्रेट, नगर परिषद सहित कई ऑफिसों में सीटें भी खाली नजर आई। लोगों को बिना काम कराए ही लौटना पड़ा। समस्त मंत्रालय कर्मचारी संगठन के अनुसार मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ राजस्थान के आह्वान पर पिछले लंबे समय से सभी मंत्रालय कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। मंत्रालय कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर रोक हटाए, कर्मचारियों की पदोन्नति प्रतिशत 17.92% से बढ़ाकर 53% की जाए, ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक की तरह ही प्रथम प्रमोशन के पद वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 के बजाय की जाए। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। वही आगामी दिनों में मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन तेज किया जाएगा।